दोस्तों कैसे आप लोग। आज से गणित की कक्षाएं मैं आपको प्रयास करूंगा कि मैं पूरी गणित की सिलेबस आपको उपलब्ध करा दूं, और जो मैं गणित पढ़ाऊंगा वो सभी गणित पूरा ट्रिकी होगा और बिना किसी फार्मूले पे होगा। ना हम फार्मूला पढ़ते हैं ना आपको फार्मूला पढ़ाते हैं। हाँ, ये है कि आप कम समय पे ज्यादा ज्यादा बेहतर अंक अर्जित कर लेंगे। तो आज से हम अपनी सीरीज की प्रारंभ करते हैं अपने यूट्यूब चैनल इलेनी विद दुर्गेश में, दुर्गेश जायसवाल के साथ। मैं हूँ आपके सामने और आज से हम शुरू करेंगे गणित की क्लासेज। और आज से जो पहला टॉपिक पढ़ना है वो हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति, जिसको हम कहते हैं नंबर सिस्टम। ये आपके सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो UPTT हो, CTT हो, UP पुलिस हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, चाहे आपकी DLED प्रथम सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, ये इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह अध्याय काफी महत्वपूर्ण है। तो संख्या पद्धति में शुरुआत करते समय सबसे पहला आता है अंक किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा अंक किसे कहते हैं। फिर संख्या किसे कहते हैं, तो जो अंक होते हैं उनकी कुल संख्या 10 होती है, जो होते हैं इस प्रकार 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये कितने, ये 10 जो होते हैं इन्हें हम अंक कहते हैं। इन्हीं अंकों से मिलकर संख्याओं का निर्माण होता है। ये अंक होते हैं, और अंक क्या होता है, सबसे छोटा उच्चारण होता है, छोड़ दीजिए वो, ये अंक है और अंकों से मिलकर ही संख्याओं का निर्माण होता है। एक बात। दूसरी बात, जब किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर यह नंबर आते हैं, माने 0, 2, 4, 6, 8 आता है, उसे कहा जाता है सम संख्या। और जिन संख्याओं के इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 आते हैं उन्हें कहा जाता है विषम संख्या। माने कोई भी अंक हो यदि उसके इकाई अंक, इकाई क्या होता है आप जानते हैं, अभी हम लोग को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये भारतीय मानक और अंतरराष्ट्रीय पद्धति दो तरीके से आपको पढ़ना है, यह भी हम आगे वीडियो में बताएंगे। तो हमने क्या देखा, अंक किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं, फिर सम संख्या और विषम संख्या, माने जिन संख्या के इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है वे सभी संख्याएं सम संख्या होती हैं, तथा जिन संख्याओं के इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 होता है वे सभी संख्याएं विषम संख्या होती हैं। जैसे ये लिख दिया 13, 7, 6, 5, इकाई अंक 5 है, इसमें कौन सा, ये इकाई अंक यूनिट डिजिट 5 है, तो कौन सा होगा विषम, लेकिन ये 0 कर दिए इसमें से आ गया, तो ये क्या हो गया सम। माने किसी भी संख्या का अंतिम अंक या दाहिने तरफ का अंक जिसे हम इकाई अंक कहते हैं, यदि इकाई अंक इनमें से कोई एक है तो सम संख्या, और इनमें से कोई एक है तो विषम संख्या। एक बात और हम यहाँ सीख लेते हैं, जितनी भी सम संख्याएं होती हैं वो सदैव 2 से विभाजित होती हैं। माने सम संख्या सदैव 2 से विभाजित होती हैं, माने ऑलवेज डिविजिबल बाय 2, माने सदैव 2 से क्या होती हैं, विभाज्य होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। अब हम लोगों ने पढ़ लिया संख्या, तो संख्या के साथ साथ आपने आपको पढ़ना होगा भारतीय पद्धति संख्या प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति की प्रणाली। उसमें भी आप इकाई, दहाई, सैकड़, हजार, दस हजार पढ़ेंगे, फिर वहां बिलियन, मिलियन चलेगा, ट्रिलियन चलेगा। तो ये चीजें मैं आपको एक वीडियो बना के पूरा कंपेयर करके बता दूंगा, कहां से कौन सा, कब बिलियन होता है, कब मिलियन, कब ट्रिलियन कहते हैं, और भारतीय मानक पद्धति में उसे कैसे पढ़ते हैं। अब हम लोगों ने पढ़ा संख्या, अंक और सम संख्या, विषम संख्या। अब फिर पढ़ते हैं इसी में स्थानीय मान और जाति मान, फेस वैल्यू और प्लस वैल्यू। तो जैसे कोई संख्या दे दी, जैसे ये दे दिया गया, अब ये कोई संख्या है, अगर इसमें अंक की बात करें तो इसमें अंकों की कुल संख्या 5 है, कितनी संख्या है 5, मान लीजिए ये है, तो देखिए कुल कितने अंक है, इसमें कुल कितने, 1, 2, 3, 4, 5 अंक है, लेकिन संख्या क्या है, ये संख्या पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़, हजार, 10,000, 43,568। तो ये इसमें क्या क्या पढ़ा हम लोग, अंक क्या है, संख्या क्या है, अब इसी में पढ़ना हम लोग को ये सम संख्या अथवा विषम संख्या। तो ये पता चला इसके इकाई अंक 8 है, इसलिए क्या है ये, सम संख्या। अब अगर पूछा जाए इसमें किसी भी संख्या का स्थानीय मान क्या होगा और जाति मान या अंकित मान, जाति मान और अंकित मान एक ही होता है, स्थानीय मान अलग होता है, तो पहले हम इसका स्थानीय मान निकाल लेते हैं। ये किस पे है, इकाई पे है, इसका मतलब है कि अगर हम लिखेंगे 8 × 1 बराबर क्या होगा आपका 8, क्या होगा आपका यहां पे 8। अब 6 पे देखिए, 6 की वैल्यू, अब यहां पर इकाई ढाई सैकड़ा पे है, 2 अंक पे है, तो 1 के बाद 0 कितना हो जाएगा 60। फिर इस तरह आते हैं 5 पे,
ये हो गया पांच, गुणे कितना होगा एक दो तीन, कितना होगा पांच। ठीक, अब यहाँ पे तीन का देखिए, तीन हो गया, इसके बाद एक दो तीन संख्या है, क्या एक एक दो तीन लड्डू, कितना हो गया एक लड्डू बढ़ गया। फिर चार का आते हैं, एक दो तीन चार, तो हो जाएगा 40,000। तो यह निकल गया किसी भी संख्या का, दिए गए संख्या का स्थानीय मान। अगर पूछ दिया कि छह का स्थानीय मान क्या है 60, चार का स्थानीय मान कितना है 40,000, तीन का स्थानीय मान कितना है 3,000, तो ये किसी भी संख्या का स्थानीय मान जिस तरह बढ़ते जाएंगे उस तरह क्या होगा, लड्डू हमारा बढ़ता जाएगा और स्थानीय मान आगे बढ़ता चला जाएगा। ये हो गया स्थानीय मान, जिसे कहते हैं प्लेस वैल्यू। एक होता है फेस वैल्यू या अंकित मान या जाति मान, समझते रहिएगा, ये परीक्षा में पूछा जाता है। अब जैसे पूछ दिया कि पांच का जाति मान क्या होगा, पांच का जाति मान क्या होगा या अंकित मान क्या होगा, तो अंकित मान जाति मान फेस वैल्यू सदैव वह संख्या ही होती है। जबकि अगर स्थानीय मान पूछेगा तो जिस स्थान पर है उसका जो मान होगा वह स्थानीय मान होता, अंकित मान या जाति मान स्वयं वो संख्या ही होती है। और ज्यादा परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि पांच के स्थानीय मान और जाति मान का अंतर क्या होगा, थोड़ा सा घुमा के परीक्षाओं में प्रश्न पूछते हैं कि पांच के स्थानीय मान और जाति मान का अंतर क्या होगा। तो अब ये हम बता दें, पांच का स्थानीय मान कितना है 500, तो हम लिख लेंगे 500। उसका जाति मान कितना है या अंकित मान स्वयं क्या है 5, अंतर माने घटाना, तो क्या हो गया 495, कितना होगा 495। इस प्रकार परीक्षा में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि दिए गए संख्या का स्थानीय मान और जाति मान का अंतर क्या होगा, एक प्रश्न। और इसे जब दशमलव पढ़ेंगे या दशमलव संख्या पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि ज्यादातर ये प्रश्न दशमलव में जब आते हैं तो वहां पे कौन से केस बनते हैं या वहां पे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये छोटा सा हमने समझ लिया स्थानीय मान और जाति मान कैसे निकालते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, अंक पढ़ लिया, संख्या पढ़ लिया, अब आते हैं संख्याओं के कुछ और रूप को पढ़ते हैं। अब आता है एक प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। ये प्राकृतिक संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या के बारे में समझ लीजिए पहले, इसके बारे में एक लाइन आपको बता दे। इसका नाम प्राकृतिक संख्या क्यों पड़ा, क्योंकि यह संख्याएं, ये प्राकृतिक संख्या है नेचुरल नंबर, इसका नाम प्राकृतिक संख्या क्यों पड़ा, क्योंकि यह संख्या प्रकृति से स्वयं निकल कर आई थी, स्वयं निकल कर आई थी। बड़ा यह अटपटा सा बात है कि भैया ये संख्याएं जो है ये स्वयं से कैसे निकल कर आएंगी। तो देखिए, जब आदि मानव के समय में जब मानव का धीरे धीरे आगाज हुआ, तो आगाज होने के बाद मानव ने क्या किया था, जब वो जंगलों में या खुले आसमान के नीचे रहता था तो वहां पे वो पत्थर इकट्ठा करता था। तो जब वो पत्थर इकट्ठा करता था उसके सामने आ जाता था, जैसे उसने उठाया एक पत्थर, फिर उठाया दो पत्थर, तो पहले उसने क्या किया, एक उठाया, एक, फिर दो, फिर तीन, घर में कितने लोग हैं एक दो तीन, तो जो उसने काउंटिंग करना शुरू किया, जब गणना करना शुरू किया तो कहां से शुरू किया, एक से शुरू किया, कहां से, एक से, एक दो तीन चार पांच, तरह क्या हो गए, बढ़ते गए। तो प्राकृतिक संख्या की जो प्रारंभ हुई वो आदिकाल से आदि मानव ने किया था, वो कैसे, पत्थरों के साथ हुआ, उन अपने साथ रहे हुए वृक्षों के साथ किया, मतलब जंगलों में रह किया, मैंने ये वातावरण में अपने आप अंक आया कि कितना है एक, फिर कितना है दो। तो इस तरह से जो प्राकृतिक संख्या का जन्म या प्रादुर्भाव हुआ ये स्वयं प्रकृति द्वारा हुआ, इसलिए इसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और इसकी शुरुआत प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, एक लाइन हम कह सकते हैं कि गिनती की संख्याओं को ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, गिनती की संख्याओं को ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस, इस तरह बढ़ते जाइए। तो यह क्या है कि गिनती की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यहां से दो प्रश्न बनते हैं, क्या क्या बनते हैं, पहला, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। हम जानते हैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, एक, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, अनंत। अब सबसे बड़ी संख्या अनंत क्यों होती है, ये देखिए, प्रत्येक संख्या की जो अनुवर्ती संख्या होती है वो पिछली संख्या से बड़ी होती है, इसलिए जो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होती है वो अनंत होती है। हम कोई भी प्रश्न संख्या सोच लीजिए, यहां से लेकर जितना सोच सकते हैं उसमें केवल एक जोड़ दीजिए या एक ऐड कर दीजिए, क्या होगा, हमें उसके बाद उसकी अगली संख्या
प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि उससे भी उसकी अनुवर्ती संख्या उससे भी बड़ी होती है। इसलिए सबसे बड़ी प्राकृत संख्या सदैव अनंत होती है और सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? एक होती है। तो क्या क्या समझ में आया? सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या। अब आते हैं अनुवर्ती और पूर्ववर्ती की बात करते हैं। एक होती है उत्तरवर्ती संख्या, तो ये भी याद रखिएगा उत्तरवर्ती संख्या क्या होती है। चलिए अब देखिए, ये है अगर हम कह दे कि पांच की अनुवर्ती संख्या क्या होगी। अनुवर्ती माने अगली संख्या, तो पांच की अनुवर्ती माने किस संख्या में अनुवर्ती निकालने के लिए उसमें एक जोड़ देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, उस संख्या की अनुवर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी। माने पांच की अगर अनुवर्ती निकालना है तो प्लस एक करेंगे छह, और इसकी पूर्ववर्ती निकालना है तो माइनस एक कर देंगे तो चार। माने किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में अगर एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्ववर्ती, और एक जोड़ देंगे तो अनुवर्ती। हमें कह सकते हैं कि पांच की अनुवर्ती छह और पूर्ववर्ती चार होती है। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए एक प्रश्न हम आपसे पूछते हैं, 999 की उत्तरवर्ती क्या होगी? 999 की उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका उत्तर हम आपको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उत्तरवर्ती संख्या किसे कहते हैं, 999 की उत्तरवर्ती क्या होगी। तो समझ में आ गया आप लोग को ये प्राकृत संख्या। आगे बढ़ते हम लोग, अब आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? अभी आदिमानव ने क्या किया, एक से गणना करना शुरू किया। जैसे एक व्यक्ति शिकार करने घर से निकला, वापस नहीं आया, कितने बचे? लड्डू। अब जीरो का ही प्रादुर्भाव हो गया, अब जीरो भी आ गया, तो प्राकृत संख्या कुछ चीजें और जुड़ गई। भैया एक लोग शिकार करने गए घर, वापस रात को नहीं बचे, कितने बचे? चार बकरी थी, शेर खा गया, कितने बचे? अब जीरो का भी क्या हो गया, प्रादुर्भाव हो गया, या जीरो का भी जन्म हो गया। अब आ गया पूर्ण संख्या। तो जीरो सहित गिनती की संख्याओं को या जीरो सहित प्राकृतिक संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, अनंत। तो क्या हो गया, जीरो सहित प्राकृतिक संख्याओं को हम क्या कहते हैं, या जीरो सहित गिनती की संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। यहां भी वही है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत। ज्यादा विशेष अंतर नहीं है, सेम केसेज है, लेकिन यहां क्या होता है, जीरो है वहां पे जीरो नहीं है। ठीक, अब इसी में पढ़ लेते हैं हम लोग धन पूर्णांक। भैया धन पूर्णांक क्या है? भैया प्राकृतिक संख्या को हम क्या कहते हैं, धन पूर्णांक कहते हैं। यदि किसी भी पूर्ण संख्या, चाहे प्राकृतिक संख्या हो चाहे पूर्ण संख्या हो, यदि उसके पहले किसी भी चिन्ह का नहीं लगा है या कोई भी चिन्ह नहीं दिया गया, तो सदैव उसे क्या मानते हैं, धनात्मक मानते हैं। क्या मानते हैं, धनात्मक माना जाता है। इसलिए जो प्राकृतिक संख्या होती है उन्हें धनात्मक संख्याएं भी कहते हैं, अर्थात धन पूर्णांक संख्याएं भी कहते हैं। ऋण पूर्णांक संख्या क्या होगी? जैसे आदि मानव के काल में दो लोग शिकार करने गए, वापस नहीं आए, तो दो लोग और खोजने चले गए उनको, वो भी नहीं आए, तो कितने बचे? दो तो गए थे, दो वो भी चले गए, तो मतलब घर की ओर दी जगह में चला, मतलब जो बचा हुआ था वो भी चला गया, तो क्या हुआ, माइनस का जन्म हुआ, माने घटाने चिन्ह का भी आया। तो धन पूर्णांक क्या है, तो समझ में आ गया। अब ऋण पूर्णांक समझ लीजिए, ऋण पूर्णांक। अच्छा यहां पर ले लीजिए, देखिए ये प्राकृतिक संख्या है, इसे धन पूर्णांक कहते हैं। ये पूर्ण संख्या है, जीरो सहित धन पूर्णांक। अब ऋण पूर्णांक की बात करते हैं, ऋण पूर्णांक किसे कहते हैं? देखिए माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस पांच, माइनस छह, माइनस सात, डॉट डॉट अनंत। अब देखिए समझने योग्य बातें क्या है, हम प्राकृतिक संख्या को धन पूर्णांक भी कहते हैं और ये ऋण पूर्णांक है। ऋण पूर्णांक माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, माने जब धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या में माइनस का चिन्ह लगे तो ऋण का चिन्ह लग जाता है, तो सभी संख्या क्या होती है, ऋण पूर्णांक के रूप में बदल जाती है। लेकिन अब दोनों में अंतर क्या है, ध्यान समझिएगा। सबसे छोटी धन पूर्णांक एक, सबसे बड़ी धन पूर्णांक अनंत। अब वापस आते हैं, सबसे बड़ी ऋण पूर्णांक
एक माइनस एक होती है, याद रखिएगा। और यहाँ पे सबसे छोटी एक और यहाँ सबसे बड़ी माइनस है। सबसे छोटी ऋण पूर्णांक अनंत होती है। और हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि सबसे बड़ी धन पूर्णांक अनंत और यहाँ सबसे छोटी ऋण पूर्णांक अनंत। यहाँ पे क्या पढ़ा कि सबसे छोटी धन पूर्णांक एक और यहाँ सबसे बड़ी ऋण पूर्णांक माइनस एक। तो याद रखिएगा माइनस एक सबसे बड़ी ऋण पूर्णांक है। एक बात, दूसरी बात, प्रश्न में जो आता है आप लोग जानते रहिएगा, क्योंकि कोई माइनस एक नंबर पाया, कोई माइनस पांच नंबर पाया, ज्यादा कौन पाया? माइनस एक। या कोई माइनस पांच पाया, कोई माइनस पंद्रह पाया, तो कौन पाया? माइनस पांच वाला। इसलिए जो सबसे छोटा माइनस में होता है वही सबसे बड़ा वास्तव में होता है। समझ में आ गया? अब हम लोग पढ़ते हैं केवल पूर्णांक, केवल पूर्णांक की बात करते हैं। अब देखिए भैया, पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक किसे कहते हैं? धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, जीरो सहित धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक को सम्मिलित रूप को हम पूर्णांक कहते हैं। इन पूर्णांक को हम संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर संख्या रेखा प्रदर्शित करना होगा पूर्णांक को, देखिए कैसे करेंगे। यह हो गया जीरो, यहां पर मान लिया हमने जीरो। इसके दाएं तरफ जाएंगे तो धनात्मक नंबर, इसके बाएं तरफ ऋणात्मक। यहां देखिए, ये देखिए, ये सब इसके बाईं तरफ आएंगे तो हो जाएगा ऋणात्मक। ये हो जाएगा एक दो तीन चार पांच छह सात अनंत तक। यह माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस पांच, माइनस छह, अनंत। ये हो गया आपका संख्या रेखा। अब देखिए, जीरो के दाएं तरफ धनात्मक नंबर, जीरो के बाईं तरफ ऋणात्मक नंबर। और प्रत्येक संख्या अपने अनुवर्ती संख्या से बड़ी, जैसे माइनस दो से बड़ी, तो देखिए दाहिने तरफ जा रही संख्या बड़ी प्राप्त हो रही है और बाई तरफ आ रही संख्या ऋणात्मक प्राप्त हो रही है। देखिए माइनस दो की ऋण आए तो माइनस तीन छोटा है और दाई तरफ गए, तो किसी भी संख्या के संख्या रेखा पे दाई तरफ अगर बढ़ेंगे तो हमें क्या होगा? बड़ी संख्या प्राप्त होगी। और बाई तरफ, दाई तरफ बड़ी और बाई तरफ छोटी। और जीरो के दाई तरफ धनात्मक और जीरो के बाई तरफ ऋणात्मक, माने जीरो के दाई तरफ धन पूर्णांक, जीरो के बाई तरफ ऋण पूर्णांक। जीरो क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। एक बात, इसी को कहते हैं प्राकृतिक संख्या। भाई गिनती संख्या को प्राकृतिक संख्या, धन पूर्णांक भी कहते हैं। जीरो से पूर्णांक और ये हो गया ऋण पूर्णांक, और पूरे को मिला दिए तो क्या हो गया? पूर्णांक हो गया। इस प्रकार हम लोगों ने यह आपका अध्ययन किया और मैं आपको बताने का प्रयास किया। तो हम ऐसा करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण था। यहां से प्राय प्रश्न पूछे जाते हैं, जो भी मैंने प्रश्न आपको पूछे थे। तो प्रश्न आपको याद, मैं दोबारा बता दूं कि 999 की उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी? 999 की उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी? और एक बात, इसको समझ लीजिएगा, फिर इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे, स्थानी मान और जाति मान का पुनः पढ़ेंगे। लेकिन यह कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिएगा, अगर आपको समझ में आ जाएगा फिर मैं वो चीजें आपको बताऊंगा। इसके बाद हम लोग अगले पार्ट में इसका और आगे अध्ययन करते हैं, कि नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको भी बोरियत महसूस होगी। तो आप सभी साथियों से एक यह है कि ये सभी वीडियो आप अपने सभी साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। और अभी हमारे यहाँ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के ऑनलाइन क्लासेज और ऑनलाइन नोट्स उपलब्ध है, उसके लिए आप लोग 6306344367 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। सभी ऑनलाइन क्लासेस प्रतियोगी परीक्षाओं को उपलब्ध है। लेकिन अभी तक ये वीडियो आप सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा, शायद आपकी मदद की वजह से उनको जो गणित में समस्या आ रही थी वो समस्या ना आए। तो सभी साथियों को मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।